Welcome back to our channel. Today we are going to make paneer packet or bhais packet, which will give you the taste of pizza but in a different way. So let's start it. पनीर पैकेट बनाने के लिए हमें चाहिए कैप्सिकम, टमाटर, प्याज, पिज्जा सॉस, बटर, हर्ब्स, चीज स्लाइस, चीज, केचप, मेयोनीज और सेजवान चटनी। पहले हम कैप्सिकम, टमाटर और प्याज को पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे। आटे को तोड़ कर उसका पेड़ा बना लेंगे। आटा थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए ताकि इसमें से स्टफिंग बाहर ना निकले। अब इसकी रोटी बना लेंगे। रोटी ज्यादा पतली मत बेले और उसकी थिकनेस इस तरह से है। इसमें डालेंगे हम पिज्जा सॉस, सेजवान सॉस और मेयोनीज। अब चीज स्लाइस को लेके इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा चीज ग्रेट करके इसके ऊपर डाल दे। स्लाइस किए हुए टमाटर, कैप्सिकम और प्याज इसके ऊपर रख दे। सब्जी में से पनीर की पीसेस निकल के इसके ऊपर रख दे। आप चाहे तो इसमें कॉर्न या पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं। अब डालेंगे इसमें हर्ब्स। अगर आपको टीका पसंद है तो आप चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। रोटी के चारों तरफ थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि फोल्ड करते वक्त वो एक दूसरे से चिपके। रोटी का पैकेट बना के उसे अच्छे से सील कर दीजिए। अच्छे से सील कर ले ताकि उसमें से स्टफिंग बाहर ना निकले। तवा गरम करके उसमें थोड़ा सा बटर लगा ले। अब पनीर पैकेट उसके ऊपर रखें। थोड़ी देर के बाद इसको टर्न करें और दोनों तरफ से अच्छे से पकने दें। थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे ताकि वो अंदर से भी पक जाए। ऊपर से थोड़ा बटर से ब्रश कर दे। साइड से भी इस तरह सेक ले। अब ये बन चुका है, इसे प्लेट में निकाल ले। हमारा पनीर पॉकेट बन चुका है। आप भी बनाएं और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड, टेस्टी फ्रॉम इनसाइड। दिखने में ना सही पर टेस्ट ये पूरा पिज्जा का ही देता है। आप भी जरूर ट्राई करें। Do like, share and subscribe. Thanks for watching.